तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आज की वीडियो में बात करेंगे तीन स्मार्टफोन के बारे में। काफी बेहतरीन स्मार्टफोन लेके आओ। एंटीटूस बेंचमार्क भी काफी अच्छा है इन तीनों का। प्राइस की बात करें तो 20,000 रुपए से कम की प्राइस में, 17,000 रुपए से भी कम की प्राइस में। तो बात करता हूँ कौन कौन से स्मार्टफोन। तो ये तीन स्मार्टफोन काफी बेहतरीन स्मार्टफोन, इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं आपको लोगों को बता दूं, क्योंकि मेरे इस चैनल पे पहले बहुत ज्यादा व्यू डाउन हो गए थे, लेकिन अब थोड़े से व्यू बढ़ने लगे हैं। इसकी वजह से मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो को देखा, भरोसा किया और चैनल को सपोर्ट भी किया। इस वजह से मेरे इस चैनल पे अब व्यू आने लगे, रीच बढ़ने लगा। और दोस्तों मैं आपको एक परफेक्ट और अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा और अपने वीडियो में और भी सुधार करूंगा। तो दोस्तों बने रहे मेरे वीडियो को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर लिया करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बेहतरीन जानकारी दूंगा, अच्छी जानकारी दूंगा। तो तीनों स्मार्टफोन में से कोई सा स्मार्टफोन, कौन सा स्मार्टफोन आप खरीदें, वो मैं आपको बताऊंगा। इन तीनों स्मार्टफोन की रिलीज डेट के बारे में आपको बता दूं। सबसे पहला फोन जो मैंने बताया, पोको X6 5G स्मार्टफोन, ये 11 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, थोड़ा सा पुराना स्मार्टफोन है। दूसरा CMF फोन, ये स्मार्टफोन जो लॉन्च हुआ 12 जुलाई को लॉन्च हुआ, अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। तीसरा स्मार्टफोन जो मोटोरोला 85 5G स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ 16 जुलाई 2024 को अभी। एक्सपर्ट स्कोर की बात करें तीनों की बेहतर है। रेटिंग की बात की जाए तो 10 में से इन्हें तीनों को 8 रेटिंग मिली हुई, तो 8 रेटिंग के स्मार्टफोन है तीनों। पोको X6 की बात करें तो एंड्रॉइड V13 पे काम करता है, बाकी तीनों स्मार्टफोन एंड्रॉइड V14 पे काम करते हैं। बात करें तीनों के चिपसेट के बारे में, तो किस स्मार्टफोन का चिपसेट बेहतर है तीनों में, तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला स्मार्टफोन जो पोको का है, पोको X6, इसके अगर चिपसेट की बात की जाए तो 7S Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है, गेमिंग प्रोसेसर, अच्छा प्रोसेसर है। वहीं अगर CMF फोन 1 की बात की जाए तो इसमें आपको प्रोसेसर जो मिलता है MediaTek का, Dimensity का 7300 का जो प्रोसेसर, ये भी ठीक है। तीसरा स्मार्टफोन Motorola 85 की अगर बात करें तो इसमें आपको प्रोसेसर मिलता है 6S Gen 3 का प्रोसेसर मिलता है, और ये भी प्रोसेसर अच्छा है। दोस्तों डिस्प्ले की अगर हम बात करें तीनों स्मार्टफोन की, किस स्मार्टफोन की बेहतरीन डिस्प्ले, अच्छी डिस्प्ले, तो वो मैं बताऊंगा। चलिए मैं बता देता हूं आपको सबसे पहले पोको X6 5G स्मार्टफोन की डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको डिस्प्ले जो मिल जाती है 6.7 इंच की, हाँ साइज तीनों स्मार्टफोन की सेम डिस्प्ले की है, 6.67 इंच की डिस्प्ले आपको तीनों में देखने को मिलेगी। पोको X6 में एमोलेड डिस्प्ले मिलती है 1.5 के रेजोल्यूशन वाली, अच्छी रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है, डिस्प्ले एमोलेड है, ब्राइटनेस 1800 निट्स पीक ब्राइटनेस भी मिलता है। पोको X6 5G स्मार्टफोन की डिस्प्ले बेहतरीन है। आप बात करें अगर CMF फोन 1 की डिस्प्ले के बारे में, तो ये भी डिस्प्ले आपको 6.67 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी और LTPS डिस्प्ले मिलेगी, एमोलेड 1080x2400 पिक्सल रेजोल्यूशन वाली, तो इसकी भी डिस्प्ले काफी अच्छी मिलती है देखने को। बात करें अब बात करते हैं मोटोरोला 85 के बारे में। मोटोरोला 85 G सीरीज का एक ठीक ठाक स्मार्टफोन हाल ही में लॉन्च होने वाला, कर्व डिस्प्ले के साथ में 3D कर्व डिस्प्ले मिलती है इसमें। ये भी एक बेहतरीन डिस्प्ले, अच्छी डिस्प्ले मानी जाती है, क्योंकि आपको अगर कर्व डिस्प्ले में अगर स्मार्टफोन खरीदना है तो आप ये खरीद सकते हैं स्मार्टफोन। अगर आप फ्लैट डिस्प्ले में अच्छी डिस्प्ले चाहते हैं तो पोको X6 5G स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। तीसरा है CMF फोन, ये भी स्मार्टफोन की डिस्प्ले ठीक है, आप खरीद सकते हैं। अब तीनों में से मैं बताऊं किस स्मार्टफोन की डिस्प्ले ज्यादा बेहतर है, तो भाई पोको X6 की डिस्प्ले ज्यादा बेहतर है, अच्छी डिस्प्ले, इसे खरीदा जा सकता है। डिस्प्ले के मामले में मैं बता रहा हूं कि अगर डिस्प्ले स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो भाई पोको X6 एक, बाकी आपकी पसंद है कोई सा स्मार्टफोन खरीद सकते। अब बात करते हैं तीनों कैमरा स्मार्टफोन में कौन कौन से हैं और किस स्मार्टफोन का बेहतरीन कैमरा, वो भी बता रहा हूं। देखिए तीन स्मार्टफोन में लेके आओ, तीनों स्मार्टफोन में कैमरा जो है अच्छे मिल जाते हैं, सामने की तरफ भी अच्छा लेंस मिल जाता है, भी कैमरा अच्छे मिल जाते हैं। बात करता हूं पोको X6 5G स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में, इसमें ट्रिपल रियल कैमरा सेटअप मिलता है, बाकी दोनों स्मार्टफोन में दो दो रियल कैमरा सेटअप मिलते हैं। पोको X6 की बात करें तो इसमें एक अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिलता है, 2 मेगापिक्सल का और एक लेंस मिल जाता है जो कि ठीक ठाक OIS लेंस मिलता है, कैमरा ठीक ठाक है, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। CMF फोन के अगर बारे में बात करूं तो इसमें आपको डुअल रियल कैमरा सेटअप मिलते हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन लेंस मिल जाता है, OIS लेंस मिलता है, 4K वीडियो इससे भी रिकॉर्ड किया जा सकते हैं। तीसरा स्मार्टफोन की बात करें मोटोरोला G85 के बारे में, तो ये भी स्मार्टफोन में आपको डुअल रियल कैमरा सेटअप मिलता है, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है जो कि 4K वीडियो रिकॉर्ड किए जा सकते हैं, और OIS कैमरा है, स्टेबलाइजेशन लेंस है, यानी आप जब स्मार्टफोन से वीडियो शूट करेंगे तो वीडियो स्टेबलाइज होगा और अच्छी वीडियो क्वालिटी होगी। तो ये तीनों स्मार्टफोन में अगर बेहतरीन है तो भाई अल्ट्रा वाइड के साथ जाना चाहते हैं तो पोको X6 लेंस के साथ जा सकते हैं, बाकी के तीनों स्मार्टफोन में लगभग सेम ही लेंस आपको अच्छे लेंस देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट कैमरे की अगर बात करें तो भाई पोको X6 में 16 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है फ्रंट में, सेल्फी के लिए ठीक है। CMF फोन में भी 16 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है, वहीं अगर मोटोरोला की बात करें तो इसमें 32 मेगापिक्सल का लेंस मिलता है। सामने की अगर फ्रंट कैमरे की अगर बेहतर माना जाए तो मोटोरोला G85 है, ये इसमें जो फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का है। बात करें तीनों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो भाई X6 के बैटरी की बात करें तो 5100mAh की बैटरी मिलती है, 67 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। CMF फोन में 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, और मोटोरोला G85 में भी आपको 5000mAh की बैटरी मिलती है जो कि 33 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तीनों में फास्ट चार्जिंग सही है,
हाँ 67 वाट फास्ट चार्जिंग जो पोको का ये थोड़ा सा फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। X6 के बारे में जो कि इसकी रैम स्टोरेज की बात करें तो 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज में यह स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाएगा। प्राइस की अगर बात करें तो यह स्मार्टफोन आपको पड़ेगा 18,999 रुपए की प्राइस में, लेकिन पहले इसकी प्राइस थी 24,999 रुपए। ये 24% ऑफ चल रहा है, फ्लिपकार्ट पर आप जाके खरीद सकते हैं स्मार्टफोन। बात करें CMF फोन के बारे में तो ये स्मार्टफोन भी 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज में देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस पहले थी 19,999 रुपए की प्राइस, अब ये 15,999 रुपए की प्राइस में आपको देखने को मिल रहा है। ये जो 28% ऑफ चल रहा है स्मार्टफोन खरीद सकते हैं इस वक्त अगर आज स्मार्टफोन खरीदते हैं तो सिर्फ 15,999 रुपए की प्राइस में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें मोटोरोला G85 5G स्मार्टफोन के बारे में तो ये 8 GB रैम प्लस 128 GB स्टोरेज में देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस जो थी पहले 19,999 रुपए की प्राइस में मिल रहा था, 14% ऑफ चल रहा है, 17,999 रुपए की प्राइस में आपको मिल रहा है। तीनों स्मार्टफोन में काफी डिस्काउंट चल रहा है, कोई सा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। बात करूं सच में कौन सा स्मार्टफोन आप इन तीनों में से कौन सा स्मार्टफोन खरीद सकते हैं तो वो है CMF फोन। ये एक बेहतर ऑप्शन आपके पास है, एक तो नया डिजाइन में और CMF फोन नथिंग का है स्मार्टफोन है, तो ये स्मार्टफोन एक अलग डिजाइन में यूनिक डिजाइन में तो ये स्मार्टफोन आप खरीद सकते हैं। CMF फोन 15,999 रुपए की प्राइस में मिल रहा है, सिर्फ 15,999 रुपए की प्राइस में। तो मैं तो कहूंगा CMF फोन खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं, अच्छा स्मार्टफोन है। जय हिंद जय भारत, मिलता हूं अगले वीडियो में। कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मेरे चैनल को सपोर्ट करिए दोस्तों और सब्सक्राइब करिए, ऑल पर सेलेक्ट करिए नोटिफिकेशन को जब भी वीडियो आए देखें, और कुछ भी कहना हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद जय भारत।